और ये लोग आए इनके सहयोग से हम इस पिल्ले को जो कुत्ता है इसको हलाने जा रहे हैं और एक अच्छा प्रयास रोड के बगल में फेंक कर चले गए। और भी अभी मैं इतना सुबह इसलिए लाइव आ रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ी हमें नाकामयाबी यहाँ पर एक नौकट लग जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा देखने को मिली। हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में यहाँ पर टहलने आते हैं, देख सकते हैं यही सड़क है जो वो भी टूटा फूटा करीब 20 वर्ष हो गया उसको बने हुए, उसी सड़क को हम लोग मॉर्निंग में टहलने आते हैं और देखिए यहाँ पर जस्ट बगल में एक कुत्ता को ला कर जस्ट रोड के बगल में फेंक कर चले गए। और भी जो कि शिवपुर और सोहगी बरवा जो है वहाँ का बॉर्डर जो है रोड का जस्ट जाकर शिवपुर में रख रहे हैं, बताइए एक एक कितना मतलब झगड़ा फंसाने वाला एक काम है। हमने उनको बोला भी ये रोड के साइड में मत फेंकिए, जाकर थोड़ा सा दूर में या तो गड्ढा खोद कर हला दीजिए उस कुत्ते को या तो थोड़ा दूर जाकर फेंकिए। तो उन्होंने टिसवाइज हम उनको पहचान नहीं पाए क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है, रात करीब 4 बज रहा है और तुरंत वो हम दूर से ही बोल रहे थे और तुरंत भाग गए वो। तो ये सब चीज़ें आपसी झगड़ा छोटा छोटा चीज़ से जब करेंगे तो हमें लगता है नदी पारिता क्षेत्र में अगर इस तरह से छोटा छोटा झगड़ा करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जब छोटा सा एक कुत्ता मरा है उसे हम चाहते तो उसको हला भी सकते थे, उसको दूर जाकर फेंक सकते हैं, जस्ट अगर रोड के बगल में अगर हम लोग फेंकेंगे तो अपने आप को बताइए कितना गंदगी फैलेगा। जब कुत्ता सड़ेगा तो बताइए कितना प्रकार का बीमारियाँ जो कि हमारे शरीर में धारण करेगी, अपने आप को सोचिए। अब शिवपुर और सोहगी बरवा नौका टोला जो कि टोला है वहाँ पर अगर दो लोग आपस में लड़ेंगे तो फिर कैसे विकास होगा। पहले से यहाँ पर नदी पारिता क्षेत्र में जो कि विकास हमें लगता है कि कोसों दूर है। अब देखिए यहीं पर जस्ट बगल में है, यहाँ पर देखिए यहीं पर कुत्ता वो है, बदबू दे रहा है फिर भी हम लोग यहाँ पर वीडियो शूट कर रहे हैं मजबूरी में, आपको कैमरा के सामने दिख रहा होगा। देखिए जस्ट ये रोड के बगल में रख कर चले गए, बताइए हम उनको रोकने की कोशिश करें मगर दूर भाग गए। अब पता किया जा सकता है मगर परिवर्तन थोड़ा थोड़ा अगर मेहनत किया जाएगा तभी आएगा। ऐसे अगर बताइए आपके परिवार से जो चाचा फेंक कर गए हैं आपके परिवार से भी बच्चे सुबह में मॉर्निंग में यहाँ पर टहलने के लिए आते होंगे, ऐसे करेंगे तो कैसे विकास होगा रेता क्षेत्र का मॉर्निंग का टाइम में, जबकि यहाँ पर संपर्क मार्ग भी नहीं है आप लोग जानते ही हैं। और हालांकि यहाँ पर गाँव में भी जो सड़कें हैं वहाँ पर पूरा चकाचौंध नहीं है क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा भ्रष्टाचारी किया जाता है, और वो भी छोटा गड्ढा गुड्ढी में सड़क पर हम लोग टहलने आते हैं सुबह में तो वहाँ पर भी ऐसी स्थिति आप लोग कर देते हैं। निवेदन है ऐसा मत कीजिए प्लीज़, बताइए ये छोटा सा बालक ये भी एनसीसी की तैयारी करते हैं, देख सकते हैं आर्मी की तैयारी करते हैं, ये भी आया थे, बताइए सही हुआ है ये? नहीं बहुत गलत हुआ है। आपके नौका टोला के ही एक व्यक्ति आए थे, हम उनको पहचान नहीं पाए हैं, अब देखिए फेंकर चले गए। अच्छा किए हो? नहीं नहीं बहुत गलत किए हो। अब बताइए रोड के साइड में आप भी टलने आते हैं हम भी टलने आते हैं, मतलब गलत है कि नहीं? जी बहुत गलत है। देखिए देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी एक फील्ड का अगर ग्राउंड फील्ड का एक व्यवस्था हो जाए सरकार के द्वारा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बच्चे जो भी एनसीसी की तैयारी करते हैं चाहे जो भी योगा करते हैं जो भी अपनी शरीर को फिटनेस रखते हैं वो जाकर वहाँ पर हमें लगता है कि तैयारी कर सकते हैं। तो सरकार से भी निवेदन एक यहाँ पर सुव्यवस्थित तरीका से एक फील्ड का व्यवस्था कराएं जिससे हमारे जो युवा साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं नए नए प्रकार के जो भी प्रतियोगिताओं की तो हमें लगता है कि वो तैयारी आराम से कर लेंगे अगर एक फील्ड बन जाए तो। और ऐसे ऐसे जो लोग हरकत करते हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग ऐसा काम मत कीजिए प्लीज़, अपने बच्चों का भी भविष्य देखिए, आपके परिवार के लोग में भी वैसा बच्चे होंगे जो कि तैयारी करते होंगे किसी कंपटीशन की, तो निवेदन है ऐसा मत कीजिए। अभी बताइए सुबह में ही काफ़ी लोगों का दिक्कत होगा आए जाएंगे और कभी हमारे बहन लोग आएंगे, माता लोग आएंगे, भैया लोग आएंगे, चाचा लोग आएंगे, सभी लोग इसी रास्ते से आएंगे और भी रास्ते का जस्ट बगल में आपको सामने दिख रहा होगा रास्ते जस्ट बगल में, बताइए तो ऐसा काम मत कीजिए प्लीज़। जहाँ भी ऐसे लोग मिले हैं तो उन लोगों को समझाने का प्रयास कीजिए, ऐसा गंदी हरकत आप लोग मत कीजिए और जहाँ तक प्रयास किया जाए कि एक अच्छा काम किया जाए कि लोग भी अच्छा बोले तो निवेदन है। बाकी आप वैसे चाचा जो फेंक कर गए हैं जिनको हम पकड़ने का प्रयास किए मगर हमसे पकड़ाए नहीं है और काफ़ी हम दूर से बोले हैं तुरंत तो भाग गए हैं, रात का समय है करीब 4 बज रहा है, तो उनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा, अपना राय जरूर दीजिएगा। बाकी इस जो पिल्ला मरा है कुत्ता वो जो डॉग मरा है उसके बारे में हम लोग क्या करें ये भी अपना राय जरूर रखिएगा। बाकी हम लोग सुबह में जो आते हैं इस सड़क को बनना चाहिए कि नहीं, इस सड़क को 20 साल हो गया इस सड़क को बने हुए, तो बाकी उस पर भी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर रखिएगा।
चलिए हम लोग इस जो कुत्ते को हम लोग दफना दिए हैं, बाकी आप हम जो पूरा टीम है इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखिएगा। ऐसा सब प्रयास प्रति युवा हमें लगता है अपने गांव में करें तो बहुत अच्छा होगा। बाकी नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जय जवान जय किसान।